झारखंड में लगातार डॉक्टरों के ऊपर हो रहे हमले के विरोध में झारखंड डॉक्टर एसोसिएशन और फार्मासिस्ट ने पूरे झारखंड में आज मेडिकल सेवा बाधित कर दी है। तो वहीं बीजेपी के विधायक डॉक्टरों की हड़ताल को समर्थन करते हुए नजर आए हैं। राज्यभर के डॉक्टरों की हड़ताल के सवाल पर विधानसभा के बाहर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विवादित बयान दिया है। तरह से डॉक्टर आंचल पर हत्या किया गया, हमारे गढ़वा में मंत्री के लोगों के द्वारा डॉक्टर को ऑफिस के अंदर पीटा गया और गला रेतने का धमकी दिया गया, जामताड़ा की घटना हुई। मैं यह कह सकता हूं कि वर्तमान सरकार, उसके प्रतिनिधि कहीं तालिबान से तो सीख नहीं ले रहे हैं। डॉक्टर जो भगवान के दूसरे रूप हैं, उनके ऊपर यह हमला करना, उनके ऊपर यह दबाव बनाना, उनको गला काटने की धमकी देना, यह मतलब प्रकाष्ठा है हर चीज का। सरकार को इसके लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लाना चाहिए, लागू करना चाहिए और वैसे दोषी लोगों पर कठोर कार्रवाई करते हुए जेल के सलाखों के पीछे भेजना हो रहा है। एक चिकित्सक पर हमला होने से लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो गया। चिकित्सक पर जो हमला हुआ है उस पर हमने SSP साहब को कहा है कि उस पर कड़ी कार्रवाई हो और उसके कारणों का भी जो है सामने लाए जाए कि किन कारणों से हमला किया है और हमलावर पर कड़ी कार्रवाई का भी हमने निर्देश दिया है। एक व्यक्ति पर किसी अपराधी द्वारा हमला किया है एक चिकित्सक पर, तो उस पर कानून सम्मत कड़ी कार्रवाई होगी और कारणों का पता लगाया जाएगा।